हेलो, नमस्कार। आज हम लोग एक जनरल टॉपिक साक्षरता के बारे में संक्षिप्त अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले साक्षर किसे कहते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर कहते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? यदि कोई व्यक्ति अपना नाम लिख और पढ़ सकता है तो वह व्यक्ति साक्षर है। साक्षरता का उद्देश्य क्या है? अगला टॉपिक है साक्षरता का उद्देश्य। साक्षरता का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलाना है। साक्षरता लोगों को सशक्त और जीवन को सुधारती है। ये हो गया। अगला टॉपिक है शिक्षा और साक्षरता में अंतर। शिक्षा वह अनवरत सतत सकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना होता है, जबकि साक्षर होना अर्थात अक्षर ज्ञान से संबंधित है। अक्षर ज्ञान होना से संबंधित है। साक्षरता से लाभ। साक्षरता लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों। साक्षरता लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है, जिससे किसी देश से गरीबी मिटाना, बाल मृत्यु दर कम करना, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करना, लैंगिक समानता प्राप्त करना आदि समस्याओं के समूल विनाश के लिए पूर्ण साक्षर होना आवश्यक है। ये काम जो है कि साक्षरता से लाभ से ये आसानी से किया जा सकता है। साक्षरता का संवैधानिक परिभाषा के अनुसार देखते हैं, संवैधानिक अनुसार से परिभाषा इसका क्या हो सकता है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखना, पढ़ना, समझना और संवाद करना आ जाए उसे साक्षर कहते हैं। ये परिभाषा होगी संवैधानिक दृष्टि से। ये परिभाषा आप इसे लिख सकते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो टॉपिक थोड़ा सा लिया गया है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। आप लोग इसे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्या है। 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया। कब घोषित किया? 8 सितंबर को ये घोषित कि मनाया जाएगा। सर्वप्रथम 8 सितंबर 1966 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया पहली बार? तो 8 सितंबर 1966 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। अब आता है अगला क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं 5 मई 1988 को प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था। अगला प्रश्न बन सकता है, भारत में साक्षरता से संबंधित 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ ही प्रश्न लिया गया है। प्रश्न तो बहुत बनेंगे लेकिन कुछ ही प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46% है। अब इसमें सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल होगा 94%। सबसे अधिक साक्षर संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश है उसमें लक्षद्वीप है, जहाँ 92.28% लोग साक्षर है। अगला प्रश्न आता है, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो बिहार है, जहाँ 63.82% लोग शिक्षित हैं। 1951 में यानी आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय पहली बार जब जनगणना हुई तो उस समय भारत में साक्षरता दर 18% थी। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य यानी केवल पुरुषों के बारे में, जहाँ पर पुरुष सबसे कम साक्षर हैं वो राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य
कौन सा है? बिहार है। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। आप लोग इसे पढ़िए, वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।